सत श्री अकाल दोस्तों, अज का जिहड़ा सैशन है उहदे विच असीं कुछ लैक्चर लड़ीवार लैके आए हैगे, जिहड़े कि नैनी CMACD फस्ट एड रिस्पोंडर जिहड़े एमरजेंसी रिस्पोंडर आ उहनां लई बहुत ही लाहेवंद है। तां हाउ टू सेव ए चॉकिंग चाइल्ड, कोई भी बच्चा जदों चॉक करदा हैगा उहदे कोई गले च फस जांदा हैगा, कोई खिडौने का टुकड़ा हैगा या घर दी कोई भी हार्ड चीज़ जिहड़ी फस जांदी है, बच्चा कोई भी चीज़ पेन का कैप भी हो सकता है ये गले फसा लैंदा। हुण गला विच की हुंदा है, गले विच दो चीज़ा है, फेरिंग्स है, एनाटॉमी अगर पढ़ी है बच्चे ने तां फेरिंग्स है गला हैगा, तो दूसरा हैगा ट्रेकिया या साह दी नाली। ज़्यादातर जिहड़ा साह दी नाली है ट्रेकिया उहदे विच ही चीज़ फसदी है, ना तो बच्चा बोल सकता हैगा तो साह लेना भी उहदा औखा हो जाता। तो आप की फस्ट एड देंगे एज ए केयर गिवर, होम सपोर्ट वर्कर या एमरजेंसी रिस्पोंडर या हेल्थ वर्कर के तौर पर सानू बहुत जरूरी है। कई बार बंदा बहुत पढ़िया लिखिया होंदा पर जिहड़ियां मेन गल्लां होंदियां उहनां तों अणजाण होंदा, क्योंकि उहदे च रिफलैक्स एक्शन चाहिए। जदों भी औकड़ आती है तुसीं बहुत जल्दी एक्ट करना है। बिल्कुल वरुण धवन ने थोड़ा बहुत सीख्या होया जी CPR, तो उहदे पापा उहने बचा रहे सी जदों कि उन्होंने कार्डिक अरैसट होया। बिल्कुल हुण तुहाडे सामने पेश करन जा रहे हैं, क्योंकि साडे दिमाग च विजुअल चीज़ा ज़्यादा कलर्ड ते विजुअल चीज़ा साडे दिमाग च बहुत जल्दी। ये डमी पई है सामने, ये मैडम दस रहे हैं कि जदों कोई गले च फस जाती है चीज़ तां विंड पाइप या ट्रेकिया च जदों फस जाती है तां मुश्किल हो जाता है, ते उहदे विच आपां ने की करना हैगा। हुण ये तुहाडे सामने पेश करनगे, मैं उहनूं पंजाबी दे विच अनुवाद कर दांगा। ना तो खांसी लै सकेगा बच्चा, ना रो सकेगा, तो ना ही साह लै सकेगा, तो ना ही बोल सकेगा। तो उहदे च आपां ने की करना है, आपां बच्चे नूं चकना है, बच्चा छोटा हुंदा तो नैचुरली उहदे दोनों स्कैफला जिहड़ियां पिछे मोर दी हड्डियां उहनां नूं स्कैफला कहिंदे आ, इंटर स्कैफलर स्पेस हुंदी है जिहड़ी कि दो स्कैफला मोर हड्डियां दे दरमियान हुंदी है, उहदे विच असीं पंज ब्लो मारने। ये देखो बैक ब्लोज कहते हैं, इन बैक ब्लोज के उपर पांच बारी वो जी इंटर स्कैपुलर स्पेस है वो उपर करना है। देखो इवें ब्लो दिता, ये थोड़ा जोड़ा पॉम है वो बिल्कुल जड़ यानी कि रूट ऑफ यूर पॉम, वो की होएगा फेफड़ा प्रैशर च आएगा। तो आ देखो आ जी चीज़ है, आ जड़ी चीज़ है ये ट्रेकिया है। यह देखो साफ तुम ट्रेकिया विंड पाइप नज़र आएगी चीज़, आ देखो आ विंड पाइप जिते माउस का करसर है ये वो चीज़ प्रैशर के ना निकलेगी, वो निकल दूसरा तरीका की है, दूसरा तरीका एबडोमिनल थ्रस्ट देनी, पेट के राही थ्रस्ट देनी। हुण मैडम पेट राही थ्रस्ट देंगे, एबडोमिनल थ्रस्ट कहते हैं, इनवर्ड ते अपवर्ड। ये फिस्ट हैगी, उपर हाथ रख लिया सॉफ्ट पार्ट ते पेट दे, ते फिस्ट रख ली, होल्ड किया। इनवर्ड ते अपवर्ड किया, इनवर्ड अपवर्ड, इनवर्ड का मतलब अंदर वाले पासे, अपवर्ड का मतलब है उपर वाले पासे, इनवर्ड ते अपवर्ड। जिहड़ा आपां ने फिस्ट नूं प्रेशर देना पेट दे राही तां उहदे नाल उह जिहड़ी ट्रेकिया फसी हुई चीज़ है वह बाहर हो जाएगी। तो दोस्तों मैं दोबारा रिपीट करदा, स्क्रीन के उपर ये जिहड़ियां दो इंस्ट्रक्शन है इहनूं चंगी तरह गौर करना है। देखो मैं इसनों इंग्लिश विच बोलांगा, नाल ही पंजाबी दे विच इहदा अनुवाद करांगा। गिव अप फाइव ब्लोज, पिछे जिहड़ा फाइव ब्लोज देने आपां ने इंटर स्कैपुलर स्पेस दे विच, हिट दैम फर्मली, उहनां नूं चंगी तरह ठोकना है, एंड बिटवीन द बैक, बिटवीन द शोल्डर ब्लेड, इंटर स्कैपुलर स्पेस कहते हैं। दूजा तरीका गिव अप टू फाइव एबडोमिनल थ्रस्ट, पेट के सॉफ्ट पार्ट के थ्रस्ट मारनी है
चाइल्ड नू होल्ड करना है उदी कमर नू फड़ के एंड पुल इनवर्ड अपवर्ड ते खिंचना है पुलवर्ड इनवर्ड अबाव देयर बैली बटन। बैली बटन होंगे जिते अम्बलाइकस हो जिते धुनी हो। तो दोस्तों इनू याद रखना जिदे नाल किसी की बेशकीमती जिंदगी बच सकती है। तो चौकिंग बच्चों खासकर पीडियाट्रिक्स 12 साल के कटे बच्चों बहुत ज़्यादा कॉमन। अगर तुम्हें अच्छा लग्या तो लाइक करना, सबसक्राइब करना, शेयर करना। बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट सरहद रोड पटियाला, साड़ी वैबसाइट है www.paramedicalindia.com। धन्यवाद।